करेंगे इंशाल्लाह। मैं नए शेर पढ़ूंगा यहाँ से। मेरी मजबूरी है कि हाथ जो मत में सवाल में उठा रखा है, इसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है, इसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है, तो पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है, फिर बताते हैं मौला सलाम करके अच्छा तुम है, अच्छा तुम है, बस पूरी मोहम्मद में कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर बताते हैं हाथ हाथ को मात में सरवर में उठा रखा है, इसलिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है कि हाथ जो मात ने सरवर में बैठा रखा है उसने बातिल को हवाओं को दबा रखा है। पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, आबिद भाई पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रखा है, तो रोक ले इतने सिपाही है तेरे पास यदि, रोक ले इतने सिपाही है तेरे पास यदि, एक बीमार ने दरबार
साहब ने भी कहा था इसमें भी बहुत कंपटीशन है, लेकिन निहाल भाई मगरिब से पहले भी मजाक ही आपने किया था, मैं सीरियस बोल रहा हूँ इसलिए कि अपनों का ध्यान रखूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम करबला वालों का एहसान है हम सब पर, आलम इंसानियत पर। नमाज़ मगरबैन से पहले भी मैंने एक जुमला कहा था आपसे कि ये जो बारगाह है अहले बैत और करबला वालों का, यहाँ तो गैर भी आकर अगर उनसे नियत के साथ अपना सर झुका दे जिसने हुसैन के साथ बेअदबी की हो, लेकिन अगर आखिरी वक्त भी कदम हुसैन में आकर माफी मांग लो उनसे नियत के साथ हुसैनी हो जाए तो वो हुर अलैहिस्सलाम हो जाता है। आपको शोदाए करबला अहले बैत के मजाक खान पहुंचाने वाले और सुनने वाले साहब के लिए जुमला मैंने कहा था, यकीनन निजामत करने वाले शायर मुहतरम पुष्कर अलौड़ी साहब हमारे बनाने जजीद बेहतरीन आवाज के मालिक इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे, खुदा की तरफ से आवाज है। आमिर मुजफ्फर नगरी साहब हमारे दरमियान है, हमारे तरह अजीज मोहतरम इरफान साहब हमारे साथी मिल चैनल के एंकर, कमर भाई हमारे और मुसलम रियाल साहब की निजामत और दीगर सराय कराम को इंशाल्लाह आप समाज फरमाएंगे। नयान भाई अगर भरोसे नीयत के साथ बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में शेर और आपने यकीन करें मेहनत किया, मैंने मोमिनीन के सामने भी कह रहा हूँ कि चार साल पहले तक नयान भाई के नाम कहीं पर, लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि पूरे मुंबई नहीं बल्कि पुणे में मुशायरे की निजामत इन्होंने किया, आज ऐसे नाजिम यहाँ से आजमगढ़ तक ये सदका है इमाम हुसैन की गुलामी का कि पहचाने जाते हैं, और ये सदका है तमाम शोराए कराम का कि अहले बैत के कदमों पर अगर अपने आप को गिरा दें तो यकीन करें वो अहले बैत के निजाम में उनका मरतबा दुनिया की निजाम में खुदा रब्बुल आलम पैदा कर देता है। बाबा से बोले नारायण सरवार डॉक्टर नफीस के हवाले से मोहतरम न्याल आजमी साहब ने जैनुलेवा 72 चैनल का और यकीनन बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खैबर मौसम आयतुल्ला खामनाई साहब का इस वक्त मुझे जुमला याद आ रहा है, हमें नौजवानों से मुकद्दर यकीन करें शोरा जो है आप पेशानी में ये समझ लीजिएगा, खैबर मौसम ने नौजवानों को बुलाया और बुलाने के बाद नौजवानों से कहा अगर मैं रहकर ना होता, यानी जिस पोजीशन पर हूँ जिस मर्तबे पर हूँ जो जिम्मेदारियां इस वक्त मेरे पास है अगर वो जिम्मेदारियां मुझ पे ना होती तो मैं नौजवानों को इकट्ठा करता और सोशल डॉक्टर साहब आपने हौसला बनाई के लिए रहकर मेरे जुमला में दे रहा, सोशल मीडिया पर मैं नौजवानों के लिए मेहनत करता मिलकर और उनके जहनों को तब्दील करता। आज ये जो सोशल मीडिया या चैनल यकीन करें बहुत बड़ा काम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से जा रहा है, लेकिन इसे शिकवा कह लें अफसोस कह लें, मैंने अक्सर अपनी तकरीरों में ये बात कही है कि बेदारी के ताल्लुक से कौमें तशद्दुद में जितने प्रोग्राम हैं किसी कौम के पास इतने प्रोग्राम जितने प्रोग्राम तबलीग के कौम तशद्दुद के पास है किसी और कौम के पास पता नहीं क्या वजह है कि उतने अंगूर होते जा रहे हैं। 50-60 हजार ऐसे सियासत मुझे मत दे दीजिएगा, इसी मैं बुजुर्ग से मेरी बात हो रही कि वोटर है लेकिन हमारा वजूद तो गुजारिश है, मेरी भी कोशिश है एस एन एन शिया न्यूज नेटवर्क इंशाअल्लाह पूरे इंडिया से नौजवान इसमें जुड़ रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि न्यूज के जरिए से जैसे ही दाखिल हुआ था कब्रस्तान के हवाले से जरूरिया चैनल पर वो दिन प्रोग्राम मैंने किया था, इस प्रोग्राम में ध्यान कर लिया हमारे आए थे मुबारकबाद दिया लोगों ने कि भाई आपकी मेहनत जो है आज जो आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का आप देखते हैं ये मोबाइल आपके हाथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी है,
इस्तेमाल आपके ऊपर है। आज अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किसानों का एहतजाज इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा है। पूरी चारों तरफ दिल्ली को घेर रखा है, लेकिन गोदी मीडिया जो इस वक्त कहते हैं नेशनल मीडिया जो है यकीन कर उनकी खबरों को, मैं सोशल मीडिया के नतीजे साहब आपको अहमियत आप दे यूट्यूब पे आप चले जाए, जितने भी यूट्यूब वाले चैनल हैं आज वो सही खबरें जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 32 लाख, 50 लाख, हम 6-7 करोड़ शिया पूरे इंडिया में एक जमाने से चल रहा है। अभी तक एक महीना पहले शायद इरफान साहब भी बैठे हैं रुए रहा उनके मोहतरम इमरान साहब का मैंने मैसेज देखा, अब जाके 1 लाख सब्सक्राइबर भी चैनल के हुए हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ, जिस 12-15 साल से जो चैनल इसे चाहे पसीना समझ लीजिएगा और चाहे कपिल समझ लीजिएगा, 15 सालों से 14 सालों से जो तालीमातम को अदादारीसैन को लोगों तक पहुंचा रहा हो, जिसकी वजह से लोगों ने मजहब तशद को कबूल किया हो, अच्छाई बुराई में तमीज पैदा की हो, जिसने अदादारी इमाम हुसैन को घर घर पहुंचाया हो, आज हमारा अलमिया ये है कि 11 मजारी साहब शहजादी आलमान की शहादत पर और ये जैनबा इमाम सज्जाद की विरासत पर ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इनकी विलायत के मौके पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। 14 सालों से चैनल हमारे दरमियान में इंटरनेशनल सेटेलाइट पे है, लेकिन ये अलमिया है या नहीं है कि अब जाके हम 1 लाख सब्सक्राइब पहुंचा है अभी चैनल, और जैनबिया की अगर बात करें तो 40-50 पे ही शायद वो है। गुजारिश है बुजुर्गों और बुजुर्गान ने यहाँ तक तो हमारी कौम और शेर को दे दिया, ये नौजवानों में तुमसे मुतवज्जे हूँ, मुखातिब हूँ, अब ये कौम तुम्हारे जिम्मा है, तुम्हारी बेदारी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कोशिश करना है। मैं यहीं पर अपनी बात तमाम करता हूँ, इसलिए बहुत सारे शोराए किराम ने दिल की एक आवाज थी जो आज आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। इमाम ने सज्जाद की विरासत पर अंजुमन ज़ैनुल रब्बा की जानिब से ये प्रोग्राम का एहतमाम शेर समाप्त कर रहा है पुष्कर भाई के, ज़ैनुल रब्बा वो दीन का किबला दिखाई दे, ज़ैनुल रब्बा वो दीन का किबला दिखाई दे, ज़ैनुल रब्बा वो दीन का किबला दिखाई दे, जिसके तवाफ में मुझे काबा दिखाई दे, वो दीन का किबला दिखाई दे, जिसके तवाफ में मुझे काबा दिखाई दे, लहजे में उसके नुस्खे इलाही की खंजरज, लहजे में उसके नुस्खे इलाही की खंजरज, पैगर में अंबिया का सरापा दिखाई दे, पैगर में अंबिया का सरापा दिखाई दे, कातिल को ऐसी देता है वो जिंदगी की भी, कातिल को ऐसे देता है वो जिंदगी की भी, कातिल को ऐसे देता है वो जिंदगी की भी, खुद मौत को हयात से खतरा देता है। कातिल को ऐसे देता है वो जिंदगी की भी, कातिल को ऐसे देता है वो जिंदगी की भी, खुद मौत को हयात से खतरा दिखाई दे, ईसा भी दर पे आए शफा की तलब के लिए, ईसा भी दर पे आए शफा की तलब लिए, बीमारे करबला वो मसीहा दिखाई दे, बीमारे करबला वो मसीहा, ईसा भी दर पे आए शफा की तलब लिए, ईसा भी दर पे आए शफा की तलब लिए, बीमारे करबला वो मसीहा दिखाई दे, बीमारे करबला वो मसीहा
दिखाए थे और शेरे खुदा के पोते का माया हुआ ये भी। शेरे खुदा के पोते का माया हुआ ये भी तारीख की सलीब पे लटका दिखाई दे, तारीख की सलीब पे लटका दिखाई दे। आखिरी शेर शेर बहुत ही छोड़ा मैंने कि सज्जाद वो असीर सितम है कि आज भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सज्जाद वो असीर सितम है कि आज भी उसके लहर के गिर्द भी पहरा दिखाई दे, उसकी लहर के गिर्द भी पहरा पहरा। हुजूर शायर रिवायत मोहतरम डॉक्टर शोर आजमी साहब हमारे दरमियान है, इनके इस्तकबाल के लिए बाराज बुलंद नारे सलवार। ये सतमदे हमारी कौम की विरासत से आई हमें सज्जाद की विलादत पर हाथों को बुलंद करके बारे जाए परवरदे आलम ने मोहतरम डॉक्टर शोर आजमी साहब की जितनी भी शोरा एहतराम है हाजिर महफिल में जो बीमार है हमें सज्जाद के सत्र में परवरदे आलम ने शफा अदा फरमाए। एक और सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद दरमियान मौजूद है। घर का पर्व इनके घर पर हमारे सज्जाद के हवाले से एक जश्न का एहतमाम किया गया था। मैं सिर्फ कह रहा था न्याल साहब शरीफा सैयद सज्जाद से सीखो इबादत का, शरीफा सैयद सज्जाद से सीखो इबादत का। चल शायद समाज फरमा ले कि तरीका उससे बेहतर होगा क्या अजरे रिसालत का, तरीका इससे बेहतर होगा क्या अजरे रिसालत का, कसीदा पढ़ लिया जाए नबी के आलो दर का। कसीदा तरीका इससे बेहतर होगा क्या अजरे रिसालत का, कसीदा पढ़ लिया जाए नबी के आलो इज्जत का। कसीदा पढ़ लिया जाए नबी की आलो इज्जत का, जमीन पर नूर जमीन पे नूर भी चमका है नूरे इमामत का, जमीन पर नूर भी चमका है नूरे इमामत का, मुल्क जमीन पर नूर भी चमका है एक नूरे इमामत का, मुल्क मुस्का लिए आया है आदि की विलादत का, मुल्क मुस्का लिए आया है आदि की विलादत का। उताया आबिदे मुस्तर में ना हक बोलने वाला, क्या सवाल बनाया? उताया आबिदे मुस्तर में ना हक बोलने वाला, इधर उताया आबिदे मुस्तर में ना हक बोलने वाला, अदा भी कर दिया मिंबर पे जाकर हक इबादत का, अदा भी कर दिया मिंबर पे जाकर हक खिताबत का, कोई सजदा न छूटा कैद में रहकर सितम करके, कोई सजदा न छूटा कैद में रहकर सितम करके। सलीका सैयद सज्जाद से सीखो इबादत का, सलीका सैयद सज्जाद से, कोई सजदा न छूटा कैद में रहकर सितम करके, सलीका सैयद सज्जाद से सीखो इबादत का। जवाब आयते कुरान लाना गैर मुमकिन है, जवाब आयते कुरान लाना गैर मुमकिन है। नहीं मुमकिन जमाने से बदल लहजे बराबर का, नहीं मुमकिन जमाने से बदल लहजे बराबर का। शहजादी की शहादत पर अशर मजालिस का भी एहतमाम इसी अदा खाने से है। मक्का समाज फरमाए कि खुदा से कातिलाने फातिमा का बस गिला होगा, खुदा से कातिलाने फातिमा का बस गिला होगा, वफा मुझको मिला मौका अगर शिकवा शिकायत का, वफा मुझको मिला मौका अगर शिकवा शिकायत का। खुदा से कातिलाने फातिमा का बस गिला होगा,
शर्मा शिकायत का एक और सवाल पढ़ रहे मोहम्मद वाला दिने हक पर है तेरा एहसान जैनुल आबदीन दिने हक पर है तेरा एहसान जैनुल आबदीन तू है रब का बोलता कुरान जैनुल तू है रब का बोलता कुरान जैनुल आबदीन हक अदा तूने किया है बंदगी का इसलिए हक अदा तूने किया है बंदगी का इसलिए हर इबादत तुझ पे है कुर्बान जैनुल आबदीन हर इबादत तुझ पे है कुर्बान जैनुल आबदीन आपके जैसा नहीं है कोई बंदा सच्चा आपके जैसा नहीं है कोई बंदा सच्चा आप है इन तरह का हुआ दरिया सच्चा आखिरी कदा